टूडेज टॉपिक एंड यू नो दैट इट इज परसेप्शन वट इज परसेप्शन हाउ यू परसीव थिंग्स और सबसे सारे इंपॉर्टेंट जो हम इस वक्त डिस्कस कर चुके हैं चीजें लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई आई शुड नाट मेक इट जर्नलाइज इट अदर वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ आवर सब्जेक्ट अबाउट द बिहेवियर इज द परसेप्शन बहुत सारी चीजें आप देखेंगे कि आपकी परसेप्शन पे हाउ यू परसीव थिंग्स आपका आगे रिस्पॉन्स आपका बिहेवियर आपका मूड आपका इमोशंस उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं परसेप्शन है क्या चीज इट इज यूनिक इंटरप्रिटेशन ऑफ ए सिचुएशन जो किताब के अंदर कहीं आप एक दो लाइनें पढ़ेंगे कि इस खास चीज से आप क्या नतीजा खस करते हैं कोई चीज देखते हैं कोई सिचुएशन होती है कोई इवेंट होता है कोई बात सुनते हैं को आवाज आती है तो उससे क्या आप रिसीव कर रहे हैं दैट इज योर परसेप्शन एंड इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन लेट मी शो यू सम स्लाइड एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड परसेप्शन पार्ट नाउ लुक एट दिस स्लाइड क्या नजर आ रहा है आपको ओके समबाडी कैन से इट इज अ वॉइस वो गुलदान सा जो होता है जिसके अंदर उसके अंदर आप फूल डालते हो सही है ना एन अदर बी सेंग नो नो टू फेसेस फेसिंग ईच अदर ऐसे ही है तो क्यों चीज तो एक ही है वाई आर डिफरेंट पीपल परसेप्शन इज डिफरेंट बिकॉज दे आर डिफरेंट। नेक्स्ट देखिए जरा अब इसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा है कोई तो कहेगा ब्लैक स्केयर है कुछ कहेगा नहीं इसके अंदर ग्रे दायरे हैं और वाइट स्पेस है कंसंट्रेट करें जरा इस पिक्चर पे देखें आपको कुछ डिफरेंट चीजें नजर आएंगी लेट्स लुक एट अनदर वन अगली देखी तस्वीर इस स्लाइड के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है दो उसके नजर आ रही है तीन अगेन दिस इज द मैटर ऑफ परसेप्शन नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग देखिए अगली तस्वीर इसमें क्या नजर आ रहा है आपको कैन यू स्टेटमेंट की ये इनकी हाइट एक जैसी डिफरेंट है यू माइट से नो दे आर डिफरेंट तो यहां पर क्या नजर आ रहा है आपको डिफरेंट हाइट के लो नो इन रियालिटी देर सेम हाइट बट सी विद रेफरेंस किसके बात कर रहे हैं वो जो लाइने खिंची हुई उनके साथ पैनल उनकी हाइट देखिए उसके हिसाब से आपको ये छोटे बड़े नजर आ रहे हैं लेकिन रियालिटी में इन सब की हाइट एक जैसी है क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से हम देखते हैं चीजों को ऐसा ही है ना एक और दिखाता हूं आपको दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी कॉमनली यूज इन दर्गनेशन बिहेवियर टॉपिक्स इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है आई कैन बेट दे कह रहा होगा कि कुछ कुछ बर्फ सी पड़ी नजर आ रही है वन माइट सी पिटी यंग लेडी कोई और इसको परसीव करेगा नहीं ये तो ओल्ड एज की एक लेडी की शक्ल है कंसंट्रेशन की जरूरत है थोड़ी सी इसमें तो व्हाट इज दिस अगेन दिस इज द मैटर ऑफ परसेप्शन अब ये तस्वीर तो में दो चेहरे नजर आ रहे हैं आपको अगर गौर करें एक स्काफ के साथ ओल्ड एज की फेस है और एक यंग एज का टीनेजर की फेस नजर आ रहा है आपके पास किताब के अंदर भी होगी जरा गौर कीजिए आपको अंदाजा हो जाएगा सो वट इज परसेप्शन दैट अगेन एज ए द यूनिक इंटरप्रिटेशन ऑफ ए सिचुएशन या इस तरह जो किताब के अंदर है ए प्रोसेस बाई विच इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रिटेट देयर सेंसरी इंप्रेशन इन ऑर्डर टू गिव द मीनिंग्स टू देयर एनवायरमेंट कोई चीज भी जो आप देखते हैं आगे हम देखेंगे कि वो जो मॉडल है उसमें देखेंगे कि फाइव सेंसेस की जो हम बात करते हैं वहां पे वो रिसीव होता है रिसीविंग है ना, ना वहां पे मुख्त स्ट्रीमरा रिसीव होती है एंड देन यू ट्राई टू इंटरप्रेट दोस्तलेट दोस्त क्या चीज है भाई अभी जो मैंने आपको चार पांच स्लाइड दिखाई वो तो देखने की की तरफ से थी कि देखने से आपने क्या अंदाजा लगाया अब लॉजिकली आप तो कह सकते हो भाई एक ही चीज थी देखने ही था तो सबको एक जैसा नजर आना चाहिए नहीं अगेन बहुत सारे फैक्टर्स हम आगे जाके देखेंगे

बिकॉज पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देअर परसेप्शन ऑफ वट रियलिटी जो वो परसीव करेंगे रियालिटी क्या है एंड नॉट ऑन रियलिटी इट से वर्ड दैट इज बिहेवियरली इंपॉर्टेंट तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक दिस परसेप्शन बात समझ आई परसेप्शन क्या है बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो किसी की पर, हर एक परसेप्शन पर इफेक्ट कर रहे होते हैं

रियल फाइव सेंसेस टेस्ट स्मेल हियरिंग सीइंग टच ठीक है और फिर जब आप ये चीज रिसीव हो जाती है आपके उस प्रोसेस के अंदर उस सिलेक्शन एन्वायरमेंट स्टिम्यूलाई जो आपके उन सेंसेस किसी में एक में से रिसीव स्टिमुलाई स्टिम्यूलेट कर देती है देन दोज इंफॉर्मेशन गो टू योर सिलेक्शन प्रोसेस अब उसमें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं कुछ फैक्टर्स होते हैं आगे जाके इनको डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अब उन फैक्टर की वजह से आप कुछ चीज प्रिसीव कर लेते हैं कुछ नहीं करते जैसे मैंने आपसे कहा अगेन कमिंग बैक टू द प्रोसेस किस दो स्टिमुलाइज कैन हैव अफेक्ट ऑन इधर ऑफ दो फाइव सेंसेस सेंसरी ऑर्गन जो आपके हैं देखने वाले सुनने वाले टेस्ट करने वाले फील करने वाले और इसमें क्या है अगेन देर इज थ्रेस लेवल सुनने की जहां तक बात है तो एक खास फ्रिक्वेंसी से नीचे आप नहीं सुन सकते एक उस फ्रिक्वेंसी से ऊपर आप नहीं सुन सकते आपके जो ऑर्गन्स हैं, वो उनकी कैपेसिटी जो है उसकी जो है वो एक खास फ्रिक्वेंसी के अंदर अंदर ही चीज को सुन सकते और फिर लाउडर चीज पहले सुन सकते हैं आप हो सकता है जिसकी इंटेंसिटी कम हो जिसकी लाउडनेस कम हो वो ना सुन सके एंड अंग पीपल माइड है डिफरेंट लाइक उनकी अपना थ्राइशोर्ड लेवल डिफरेंट होता है लोग कहते हैं यार मेरी जो है ना सुनने की कवत वो बड़ी तेज है सिमिलरली स्मेल की बात करते हैं सिमिलरली सींग की बात करते हैं उसमें भी आप आगे जाके देखेंगे इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर किस तरह इफेक्ट कर रहे होते हैं और यही चीज फिर आगे इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं वो बिलीव है वो मोटिवस हैं तो कौन सी चीज आप परसीव करना चाहते हैं जैसे मैं आपसे कहा कि इन्वायरमेंटल स्ट्रीमलाई होते हैं यू हैव द एंड देन यू हैव दर्सेप्शुअल सिलेक्शन बेस्ड ऑन दो एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स फिर उन जो परसेप्शन का जो आपकी चीजें हैं वो ऑर्गेनाइज होती हैं आप उसको किस ग्रुप में फिट इन करते हैं अपने सीपीयू के अंदर अपने ब्रेन के अंदर एंड देन यू इंटरप्रिटेटेड जैसे मैंने आपको तस्वीरें वो तस्वीरें दिखाई वो वायर्स वाली कि किसी ने तो उसको वॉयस समझा किसी ने उसको टू फेसेस डायरेक्टेड टू ईच अदर परसीव किया उसमें क्या हो सकता है उसमें परसेप्चुअल एरर भी हो सकता है उसमें एट्रीब्यूशन भी है आगे हम कुछ टॉपिक से पढ़ेंगे आप देखेंगे एंड बेस्ड ऑन दिस होल प्रोसेस यू कैन respond you can behave clear so this is the basic we discuss the basic elements in the perceptual process got it remember we are talking about a very important topic perception because most of the time in broader spectrum we talk our behavior is depending on the perception a perception जितने टॉपिक हम पढ़ चुके हैं वो वैल्यूज वो एटीट्यूड वो फीलिंग्स वो इमोशंस वो मूड वाली बात वो इफेक्ट वाली बात वो थिंकिंग वाली बात ये सारी चीजें आपकी परसेप्शन प्रोसेस पे असरअंदाज है नाउ एंड बेस्ड ऑन दिस परसेप्शन नाउ पीपल बिहेव कहानी बन रही है ना परसेप्शन है क्या चीज एक इंटरप्रिटेशन है किसी भी चीज की किसी भी सिचुएशन की किसी भी इवेंट की किसी भी चीज एंड सेम थिंग पीपल कैन हैव डिफरेंट परसेप्शन फॉर सेम सिचुएशन डिफरेंट पीपल माइट हैव एंड यस पीपल हैव सम मोस्ट ऑफ टाइम दे परसीव डिफरेंटली उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे होते हैं इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी अब थोड़ा सा मैं इस चीज को आपको और डेप्थ पे जाके समझाने की कोशिश करता हूं जाते हैं उसको समझने के लिए कि ये क्या चीज थी परसेप्चुअल प्रोसेस मॉडल जिसको शुरू में मैंने आपसे कहा कि यू हैव द फाइव सेंसेस नाउ लुक एट दिस मॉडल इन्वायरमेंट से मुख्तलिफ चीजें वी आर ऑलवेज एक्सपोज टू डिफरेंट थिंग राइट अल्लाह ताला ने हमें ये दी है पावर कि मैं सामने देख सकता हूं आई डोंट नो पीछे क्या हो रहा है अब मैं सुन सकता हूं डिपेंडिंग ऑन ऑफ कोर्स माई हेयरिंग कैपेसिटी सामने से भी राइट से भी लेफ्ट से भी बैक से भी कोई बोलता है इसी तरह अल्लाह ताला ने वो टेस्ट के लिए एक जबान दी है उस पर भी मुख्तलिफ पार्ट्स हैं कोई मीठी चीज को सेंस कर सकता है कुछ कड़वी को तो सी डिफरेंट टाइप ऑफ वो जो हमारे पांच सेंसेस हमने आपसे डिस्कस किए और इस मॉडल में आप देख रहे हैं कि वो स्टिमलाइज देर इफेक्टिंग दोज फाइव डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन फाइव सेंसेस को स्टिमुलेट कर रही है कोई भी चीज हो सकती है एंड देन वेन देट स्टिमुलाइज स्टिमुलेटिंग ईदर वन ऑफ दैट एंड यू गो फॉर दैक्स स्टेप इज सेलेक्टिव अटेंशन वो जो आपका सिस्टम है वो उस चीज को उसको सिलेक्ट करता है कि इसमें से क्या चीज है और फिर उसको ऑर्गेनाइज करता है अपने सिस्टम के साथ जो आपकी मेमोरी के अंदर पहले से है लेट्स सी अगर आप देख रहे हैं गाड़ी देख रहे हैं तो आपकी मेमोरी के अंदर वो गाड़ी का स्ट्रक्चर है तो जब आपने वो देखा आपके उस प्रोसेस ने उसको रिसीव किया आपकी मेमोरी के अंदर गया तो उसने क्विकली अपनी लाइब्रेरी को सर्च किया कहा ओके दिस इज दिखा दिस इज अ बस वट एवर लेट्स यू आर लुकिंग समथिंग न्यू नाउ यू डोंट हैव एनीथिंग इन योर मेमोरी सो यू विल बी लिटिल बिट आपकी परसेप्शन क्या होगी पता नहीं क्या चीज है यार सिमिलरली एक आवाज सुनते हो आप देखो हमारे यहां टीवी पे खबरनामा लगता है तो उसकी स्पेसिफिक टोन होती है आप किसी भी कमरे में बैठे हो जब आवाज आपके कान में पड़ती है तो यू पर वो खबरनामा शुरू हो गया यू डोंट हैचुअली बी देर टू सी के खबरनामा शुरू हुआ कि नहीं हुआ है ना ऐसी बात तो फिर उन उस बेसी तरह चखने की बात करते हैं सुनने की बात की है फील करने की बात करते हो कोई भी चीज जो है यू हैव दी देन यू इंटरप्रिटेटेड इस तरह इमोशंस की बात करते हैं क्या आपने देखा कि सरप्राइज का एक फेशियल एक्सप्रेशन आपको मैंने लास्ट लेक्चर में दिखाया हैप्पीनेस है के दिखाया व्हेन यू सीज अ पर्सन